ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त अब हमारे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। इससे पहले मैं स्टॉक स्पेसिफिक आपसे भी बातचीत करूं, पहले तो आपका एंजल ब्रोकिंग का बाजार पे क्या कॉल है? बजट से पहले कुछ मोमेंटम स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा? मॉर्निंग आशीष जी, आई थिंक क्लियरली विल मिरर ग्लोबल मार्केट्स, और जैसे क्रूड की मूवमेंट चल रही है प्रॉब्ली आई थिंक यू आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग इन द मार्केट, बट मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे बाजार तक और कहाँ ना कहाँ आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स को मिरर करेंगे, तो क्लियरली आई थिंक वॉलेटाइलिटी विल कंटिन्यू, इसलिए एक स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप अप्रोच रखना है मार्केट में बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको रखनी चाहिए। मयूरेश से भी पूछेंगे कुछ ही देर में कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर वो बुलिश या बेरिश हैं, लेकिन एक स्टॉक जो काफ़ी दबाव दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से वो है देखिए भेल। और भेल के ऊपर जो आज UBS की मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूँ वो थोड़ी चिंता में डालने वाली है। 115 से लक्ष्य घटाकर उन्होंने सीधे 70 रुपये कर दिया है। सेल का कॉल तो उनका था ही, उसको वो बरकरार रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि FY 16-18 के लिए जो अपना मार्जिन्स के एस्टिमेट्स हैं वो 260 बेसिस पॉइंट से 340 बेसिस पॉइंट वो कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल तीन डिजिट में है, लेकिन जो टारगेट्स हैं आशीष वो काफ़ी घबराने वाले हैं, 70 रुपये का टारगेट। प्रकाश, भेल पर आपका क्या व्यू बन रहा है? बहुत नेगेटिव है और ये रिपोर्ट आने के बाद तो एक और भी नेगेटिव व्यू पे कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये सही व्यू है, क्योंकि रीजन ये है कि जो आप ये देखिए कि पावर प्रोडक्शन में जो बढ़त हम देख रहे हैं और जिस वजह से एक उम्मीद कहीं बनी हुई थी वो नाजायज है, क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स की, पावर प्रोड्यूसर्स की, वो कहीं भी 60-80% से ज़्यादा है नहीं। तो अगर अभी भी एक्सपेंशन करना हो तो नए OTG बॉयलर टर्बाइन जनरेटर तो ऑर्डर करेंगे नहीं, और मुझे लगता है कि जो सोलर पावर का जो जिस टाइप का एक वेव शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं भेल की जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी जो वैल्यूएशन है या प्रीमियम उसको जो मिलता था वो कहीं ना कहीं एक जगह घिसता हुआ दिख रहा है। तो मार्जिन नहीं रहेंगे, इनकी ऑर्डर बुक जो है उसको ग्रो करने के लिए तो बहुत टफ रहेगा, और उस लिहाज से ये डाउनग्रेड जो है ये कई लोगों की तरफ से आएंगे और पोर्टफोलियोज में से इसकी निकासी भी दिखेगी। तो भेल गिरेगा तो क्या LNT भी साथ में गिरेगा या दोनों अलग चाल दिखाएंगे? एक PSU है, एक प्राइवेट है, आपका क्या व्यू है? बिल्कुल नहीं, LNT डेफिनेटली हैज अ मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मैं तो उसमें कई चीजें हैं और खास करके LNT को एक बहुत जो फायदा हो सकता है बजट के बाद मुझे लगता है वो रहेगा रेलवे और डिफेंस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जो सुनते आ रहे हैं न्यूज उसको सपोर्ट करने के लिए जब होता है काम, तो उसमें LNT का बहुत अच्छा एक हिस्सेदारी रहती है। इनके कई बिजनेस डिविजन्स हैं और कंस्ट्रक्शन साइड का जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन जो है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे मुझे लगता है LNT को अच्छा खासा एक बढ़त हासिल होगी। तो पावर क्षेत्र से जो मायूसी है वो भेल के ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वो सिर्फ बॉयलर टर्बाइन जनरेटर और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स देखते हैं। ट्रांसफार्मर्स जो बनाते हैं उनको ये दिक्कत नहीं आएगी, केबल्स बनाते हैं उनको ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बॉयलर टर्बाइन जनरेटर वाला जो मामला है वो एक थोड़ा सा गड़बड़ वाला लग रहा है, उस वजह से भेल में ज़्यादा नेगेटिव है। ये जो भेल है 280 के लेवल से करेक्ट होकर अब तो ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास खड़ा हुआ है, बहुत सिवियर करेक्शन आया है। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस, तो कहीं ना कहीं क्या भेल में किसी लेवल पे अट्रैक्टिव होगा या बिल्कुल ही आप इससे दूर रहने वाले? इसमें इंप्रूवमेंट आने में काफी समय लग सकता है अचीज, और मुझे लगता है लोग उसके लिए वेट करेंगे, क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट जब तक नहीं दिखेगा फॉरवर्ड लुकिंग तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी अट्रैक्टिवनेस रहेगी, क्योंकि आपको कई और विकल्प मिल जाएंगे जो इस क्षेत्र के ही हैं और अट्रैक्टिव भी, प्राइस भी अट्रैक्टिवली है अभी। चलिए, तो भेल अभी फिलहाल खरीदना नहीं चाहिए, और इस रिपोर्ट के बाद जो UBS की रिपोर्ट है इसके बाद आज देखना होगा भेल कितना टूटता है और पूरे सेक्टर में किस तरह का असर देखने को मिलता है। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद क्विकील की बात करेंगे, कल ही लिस्ट हुआ था और आप देखिए पहले ही दिन जिस तरह से खराब खबरें के सिलसिला इसके लिए शुरू हो गया। सेबी में कंप्लेन हुई, 56 करोड़ रुपीज का सर्विस टैक्स का नोटिस इसको मिला, इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन करी कि पहले जो इनको शेयर दिए गए थे उसमें गड़बड़ी पाई गई है। इस सब के बाद, इतने बड़े करेक्शन के बाद, क्या आप यहां पर खरीदारी करनी चाहिए या और नीचे जाएगा क्विक हील? जी हाँ, 20% टूटा था पहले ही दिन लिस्टिंग के कल के सत्र में। इस सब पर बात ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रकाश दीवान, राकेश बंसल, मयूरेश और नितिन मुरारका बने हुए हैं और बात कर रहे हैं हम उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलने के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। क्विक हील ये था वो स्टॉक ऑफ द डे कल का, 321 का इशू प्राइस था और आप देखिए कल जिस तरह से खराब खबरें आई एक के बाद एक, ये स्टॉक ने दिन के निचले स्तर पर जाकर समाप्ति दी, 21% नीचे गया है। ये बताइए मयूरेश, करीब करीब 11 गुना सब्सक्राइब हुआ था तो अब और सस्ता हो गया है, ऐसे रीड करना चाहिए या पहले लिस्टिंग के दिन ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल खड़े हो गए हैं और जो नेगेटिव खबर आई है उससे चिंता होगी आपको, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, क्लियरली आई थिंक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जस्ट लिस्टिंग डे के और उसके जस्ट एक दिन पहले, आई थिंक थोड़ी डिस्टर्बिंग है और मार्केट्स को आई थिंक ऐसी अनसर्टनिटीज बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड स्पेसिफिकली इट्स अ न्यू लिस्टिंग। हालांकि आई थिंक जो फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है 16-18% ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस लास्ट 3-4 वर्षों में, अगर हम एबिटा मार्जिन मेंटेन एट हाई लेवल, कैश पोजिशन ऑफ अराउंड 107 करोड़ बुक्स पे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है लगभग 77 करोड़ के, 7 मिलियन कस्टमर्स हैं, 30% मार्केट शेयर है, बट आई थिंक दीज टू इवेंट्स प्रॉब्ली एक ओवरहैंग से बने रहते हैं स्टॉक के ऊपर और ये अनिश्चितता जो रहती है स्टॉक को लेके आई थिंक द इन्वेस्टर्स विल नॉट लाइक दिस। इसलिए आई थिंक स्टॉक को सेटल होने देना चाहिए, आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड नॉट बी गेटिंग इनटू द स्टॉक इन अ हरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे लगता है आई थिंक जो फॉरवर्ड वैल्यूएशंस थे हालांकि आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट जस्टिफाइड थे और थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, बट आई थिंक द स्टॉक विल स्टिल रिमेन इन अ वेरी वेरी सॉफ्ट जोन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू से द लीस्ट। ओके, तो कल अगर मैं 11 गुना सब्सक्राइब हुआ था रिटेल ने तो हाथों हाथ खरीदा था इस आईपीओ को। एचएनआईज ने क्या सब्सक्राइब किया था? ₹30 का इशू प्राइस था शायद, तो जो कल जो चोट लगी उसे हील होने में अभी बहुत समय लगने वाला है इस कंपनी में। लेकिन यहां पे अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन पर नजर डालेंगे। ध्यान रखें आज करेंसी मार्केट्स बंद हैं, हेमंत हाईलाइट कर चुके हैं, तो रुपए की ओपनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे पहला सौदा और देखेंगे किस तरह के इंडिकेटिव मूव्स इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दूं शेयर बाजार पर सीएनबीसी आवाज की जो बातचाहत है वो कंटिन्यू होती हुई, मार्केट बैंड के दौरान सीएनबीसी आवाज का जो मार्केट शेयर है वो 74% पे है। आसान शब्दों में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चैनल से हम करीब 3 गुना बढ़े हैं। इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज ईटी नाउ से 950% बड़ा है। सीएनबीसी आवाज पिछले 4 हफ्तों से लगातार 74% मार्केट शेयर पर अपना कब्जा बनाया हुआ है 11 साल से। आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी के साथ साथ हम इस देश के नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल के स्लॉट में बरकरार हैं, तो आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। लेकिन अब फोकस पहला सौदा और प्री ओपनिंग के सेशन से पहले क्विकली एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए, थोड़ी सी नरमी के संकेत वहां से आते हुए क्योंकि आज एशिया ठंडा है। अक्रॉस ग्लोब इक्विटीज में थोड़ा सा दबाव या कह लें मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। आपको याद होगा यूएस लगातार पिछले 3 कारोबारी सत्रों से मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, कल हल्का सा मुनाफा वसूली का दबाव वहां पे आता हुआ तो सेटअप थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन डेटा पॉइंट जो हमने तमाम एक्सपर्ट से अब तक बात करी सब इंकरेजिंग डेटा पॉइंट्स हैं और शायद बजट से पहले एक अच्छा मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। लेकिन कुछ स्टॉक्स पे फोकस, और कल का एक स्टॉक था जो आपको याद होगा बड़ी तगड़ी हरकत दिखा रहा था, वो था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, तगड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा वहां पे मिला है। नितिन जी, क्या फर्दर लेग्स हैं और उछाल देखने को मिल सकता है? देखिए, डेटा पॉइंट और टेक्निकल चार्ट सेटअप दोनों पॉजिटिव हुए हैं और कल इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक राइज आया है। अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कल वॉल्यूम्स इसमें डबल हुए हैं और सपोर्ट इसका करीब करीब आप देखेंगे तो 3000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बना है। कल इसमें ओपन इंटरेस्ट 7% कम हुआ है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी है, थोड़े रोल ओवर्स भी हो रहे हैं, बट एक्सपायरी से जितने भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए थे वो नेट नेट ओपन इंटरेस्ट अब कम हो चुके हैं। पूरी एक्सपायरी में अभी देखेंगे तो नेट ओपन इंटरेस्ट इसका नेगेटिव आ चुका है, तो इसका मतलब इसमें शॉर्ट कवरिंग और ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करना चाहिए। उसको देखते हुए यहाँ पे 3103 की क्लोजिंग है, आपको 3270 का स्टॉप 3070 का स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर टारगेट मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी में 3220-3240 तक का भाव मिल सकता है। तो बायबैक मंजूर होने के बाद देखिए लगातार यहाँ पर तेजी ही देखने को मिल रही है और बायबैक की खबरों पर जस्ट डायल एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर हमने देखा है एक शॉर्ट कवरिंग मूव्स बने हैं, बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। क्या ये तेजी सस्टेन होगी राकेश, या अब रैली के बाद आज यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी? जस्ट डायल चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, एक बड़ी गिरावट के बाद एक उछाल देखने को मिला इस हफ्ते इसमें?
देखिए हेमंत जी, चार्ट्स इसके काफी नेगेटिव हैं और ये बायबैक इसने पहली बार नहीं अनाउंस करा है और क्लियरली सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप है वो क्लियरली दर्शाता है इस खबर के चलते कोई बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। कोई रैली आती है तो उछाल को यूज करना चाहिए पोजीशन से निकलने के लिए। ऊपर में देखें तो 585 से लेकर 600 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और लगता नहीं है कि जल्दबाजी में ये सप्लाई जोन स्टॉक इजिली तोड़ पाएगा ऊपर की तरफ। ओके, चलिए, तो बायबैक के ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं है। चार्ट्स बेहद कमजोर हैं, बिल्कुल सही भी कह रहे हैं। पहले भी बायबैक इन्होंने किया, उसके बाद भाव नीचे की तरफ ही देखने को मिले हैं। आप देखिए अब प्री ओपनिंग सेशन में मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन में 40 अंक की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। 12 अंक ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 7200 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्टॉक्स जिस पर नजर होनी चाहिए, HDFC बैंक, हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि यहाँ पर आपको तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। HDFC बैंक पर काफ़ी बुलिश थे नितिन, ये प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। पावर ग्रिड, HCL टेक, IT सेक्टर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। विप्रो TCS भी आप देखिए मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है। प्रकाश कह रहे थे कुछ देर पहले कि IT सेक्टर उनको पसंद है, उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन हमें भेजी हैं उसमें भी उन्होंने IT सेक्टर का नाम लिया है। लेकिन ऑयल एंड गैस स्टॉक्स देखिए आशीष, ONGC खासतौर पर दबाव के साथ खुलेगा, लेकिन सबकी नज़र रहने वाली है भेल के ऊपर, ये किस तरह से खुलता है। 115 रुपये से सीधा टारगेट UBS ने घटाकर 70 रुपये किया है, तो देखेंगे इस शेयर पर किस तरह के मूव्स सेटल होते हैं और उसके बाद किस तरह से ये शेयर खुलता है आज। बिल्कुल, IT तो कल वैसे भी तेज था, विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, सब में 2.5% या उससे ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। लेकिन एक स्टॉक प्रकाश, वो है कल मैक्स इंडिया फोकस में आया था, अचानक सुबह सुबह बड़ी तगड़ी ब्लॉक डील हुई, 9.5% स्टेक अंदाजन शायद प्रमोटर्स ने बेचा है, KKR ने खरीदा है। अब इस डेवलपमेंट को कैसे रीड करूं, बाजार का मूड खराब होता है तो हम कहते हैं प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो दिक्कत की बात है, पर एक FII ने खरीदा है, प्रमोटर्स कह रहे हैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड्स का इस्तेमाल करना है, क्या रणनीति बनाऊं मैक्स इंडिया को लेकर सर? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई नेगेटिव इससे रीडिंग होनी चाहिए आशीष, क्योंकि काफी समय से प्रमोटर्स ने ये कंपनी प्रमोट की है और ये काफी लागत लगा के बिजनेसेस डेवलप हुए हैं और अब उन्होंने अगर चाहा है कि इसमें से निकल के कहीं और पैसा लगाएं, एक्सपेंशन के लिए कोई और उपयोग इसका करें, तो मुझे नहीं कोई इसमें गलती लगती, क्योंकि इनके बिजनेसेस जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म रहे हैं, तो ये नहीं है कि इन्होंने कुछ सालों में आए और पैसा निकाल के चले गए, वैसे वाला माहौल नहीं है। प्रमोटर्स की रेपुटेशन भी, पेडिग्री भी बहुत ही अच्छी है, तो मुझे लगता नहीं है नेगेटिव कोई न्यूज इससे आएगी, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट इससे कोई स्टॉक पे आना चाहिए। नितिन जी, अगर पूरा हफ्ता देखें तो 3% की तेजी सेंसेक्स निफ्टी में हुई है और इस हफ्ते में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले कुछ शेयर्स का नाम बता रहा हूं। वेदांता आपने कहा यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन हिंडाल्को, टाटा स्टील ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। वेदांता के अलावा बाकी इन 3 स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंडाल्को और टाटा स्टील? देखिए, हिंडाल्को में कल 27% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, ये ह्यूज ओपन इंटरेस्ट कम एक दिन में हुआ, इसका मतलब इसमें बिल्कुल स्ट्रांगली शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में आपको एक अच्छा बाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी तेजी से अगर ओपन इंटरेस्ट काटा जा रहा है तो इसमें शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं और ये हो सकता है बाउंस करके आपको 72-73 की तरफ मूव कर सकता है, तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है वो काफ़ी सस्ती मिल रही है, अगर आप 70 रुपये की कॉल ऑप्शन में ट्राई करें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे रिस्क वर्ड रेशियो काफ़ी बेटर हो सकता है। इसके अलावा वेदांता में भी हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से रेगुलर वहाँ पे शॉर्ट पोजिशन कम हो रही है। वहीं अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो उसमें इनफैक्ट एक्सपायरी से अगर अभी तक देखेंगे तो वो नेट पॉजिटिव आ चुका है और उसमें इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बाय की साइड में पोजिशन बन रही है। जितने भी PSU स्टॉक्स हैं उसमें से मुझे लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे बढ़िया सेटअप है। इसमें 4-5 दिनों में जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ नीचे से और बाउंस किया, तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट आपको करीब करीब 145 से 150 तक का लेवल्स मिल सकता है। 138 की क्लोजिंग है, 135 भी हम लोग स्टॉप लॉस रखें तो 150-152 का भाव आपको देखने को मिल सकता है। सबकी नजर है कि बैड बैंक बनेगा या नहीं बनेगा और इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा चल रही है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बैड बैंक के अपोजिशन में है, सरकार कह रही है बना लें, देखना होगा कि बैड बैंक बनता है या नहीं बनता है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि सरकार काफी तेजी से काम कर रही है बैड बैंक को बनाने के लिए। रिकैपिटलाइजेशन का नंबर हम पिछले बजट में सुना था तो बड़ा अच्छा नंबर था, अब वो कुछ एजेंसीज ये पोस्ट कर रही है कि शायद रिकैपिटलाइजेशन का नंबर मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा। खैर, जरूरत तो बहुत ज्यादा है, कितना सरकार प्रोवाइड फॉर कर सकती है उस पर सबकी नजरें होंगी। तो बैंक्स वैसे भी फोकस में और बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट्स बेहतर नजर आ रही हैं, नितिन मानते हैं खरीदारी करने के मौके वहां पे ढूंढें। लेकिन मारुति 2.5% की कमजोरी कल थी, मेरे ख्याल से निफ्टी का टॉप लूजर था,
आज भी लाल निशान में कामकाज होता हुआ। मयूरेश, मारुति में बहुत तगड़ा करेक्शन अचानक आया है, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स जिसे हम कहते हैं उनमें से शायद एक ये नाम था। नोमुरा की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे उनका मानना है येन में डिप्रिसिएशन कंटिन्यू होगा, शायद 130 तक जाता हुआ नजर आए। मारुति को क्या इन लेवल्स के आसपास एक्युमुलेट करूं, खरीदारी करने की हिम्मत करना शुरू कर दूं? नहीं, क्लियरली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल डिप्स पे देख सकते हैं, बट मुझे लगता है आई थिंक जो दिक्कतें चल रही है इन टर्म्स ऑफ जैसे उनकी इन्वेंट्री पाइलअप हुई थी लास्ट क्वार्टर में, उनको वो आई थिंक अच्छी तरह से आई थिंक दे'ल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। जो मार्जिन्स में एक दबाव देखा था लास्ट क्वार्टर में विद वॉट एवर इज हैपनिंग विद येन, आई थिंक उसमें एक एडिशनल प्रेशर आ सकता है दिस कंटिन्यूज फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस क्वार्टर। तीसरी बात, आई थिंक जैसे इनके प्रोडक्ट लॉन्चेज आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग है, स्पेसिफिकली बलियन और जो लॉन्च हुआ था, बट मुझे लगता है आई थिंक जो कॉम्पिटिशन है आई थिंक इवन दैट इज इंटेंसिफाइंग। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स स्टॉक के डाउनफॉल में आई थिंक एक पिवोटल रोल प्ले कर रहे हैं। ये आउट परफॉर्मर था स्टॉक लास्ट पूरे साल में और कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड हो गए थे एट हायर लेवल्स। मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक और थोड़ा करेक्ट हो सकता है करंट लेवल से इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज और मार्जिन्स पे एडिशनल प्रेशर आ सकती है अलॉन्ग विद इंक्रीज्ड S&P स्पेंड्स। तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक माइट लैंग्वेज इन दिस रेंज ऑफ 200 रुपीज हायर एंड लोअर फ्रॉम द करंट लेवल्स, एंड क्लियरली आई थिंक क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद एक डायरेक्शन मिलेगी स्टॉक। ओके राकेश, एक स्टॉक आमतौर पर वैसे हम बात नहीं करते हैं इतनी ज्यादा, लेकिन तमिलनाडु पेट्रो इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि डिलीवरी बेस्ड बाइंग तगड़ी थी कल। आमतौर पर औसतन 40-50 हजार शेयर्स, कल तो ऑलमोस्ट 2.25 लाख शेयर्स के आसपास की डिलीवरी मार्क हुई थी। कुछ चार्ट्स में संकेत मिल रहे हैं क्या सर? देखिए, अगर आप तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। कल के सत्र में एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। 20 रुपीज टीएन पेट्रो के लिए एक अच्छा बेस है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है आशीष जी, अगर आप देखें तो इतने खराब बाजार में इतना अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी कम स्टॉक्स का है और ये स्टॉक उनमें से एक है। शॉर्ट टर्म में देखें तो 27-28 के लेवल ऊपर की तरफ मुमकिन है। टीएन पेट्रो 23 रुपए के आसपास का प्राइस है, उस शेयर की बात आशीष इस समय कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए आशीष, आज एजुकेशन स्पेस के शेयर अच्छा तेजी दिखा सकते हैं, इस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन में देखने को मिल रहे हैं। लगने लगे लगता है। जी हाँ, कल भी हमने देखा था लेदर कंपनियां दौड़ लगा रही थी, मिर्जा लिबर्टी जैसी, इवन इरीगेशन स्पेस की बात हमारे एक्सपर्ट प्रकाश ने करी। आज ने एक्सक्लूसिव खबर दी थी आपको कि शायद इन लेदर पॉकेट के लिए कुछ रियायतें आती हुई नजर आएंगी इस बार बजट में, लक्ष्मण ने हाईलाइट किया था, तब से मोमेंटम स्ट्रांग है। जी हाँ, 2000 रुपए तक के जूतों के लिए एक अलग तरह से रियायतें आ सकती हैं। अब तक 1000 रुपए के जूतों के लिए कुछ एक्साइज ड्यूटी घटी थी, 12% से घटकर करीब 6% के आसपास हुई थी। आप देखिए, लेकिन आज एजुकेशन स्पेस एडूकॉम 5% ऊपर प्री ओपनिंग सेशन में, एपटेक 3.5% ऊपर, एवरॉन, ये पूरे का पूरा स्पेस अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। जेट और स्पाइस जेट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, देखना होगा कैसे ये खुलते हैं। ABG शिपयार्ड कल के अच्छे मूव के बाद आज फिर एक तेजी की तरफ बढ़ने की तैयारी करता हुआ। श्रीराम EPC ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो 5% मजबूत हैं, और इनमें से कुछ शेयर स्टॉक 2020 में भी शामिल थे। स्टॉक 2020 की आपने बात करी तो बता दें आपको कि स्टॉक 2020 टीमों में कौन से खिलाड़ी आज शामिल थे। जल्दी से देख लेते हैं दोनों की टीम्स किस तरह से निकल कर आई हैं। ओरियन ग्रीन पावर बजट से पहले यहां पर खरीदारी करने की राय है। बजट में अगर रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर फोकस होगा सरकार का, किस तरह के इंसेंटिव दिए जाएंगे तो इस पूरे के पूरे सेक्टर को फायदा होगा, और इस शेयर पर भी नजर रखनी चाहिए। रेल बजट से पहले टेक्सटाइल में खरीदारी करिए, MTNL ITI में खरीदारी कर सकते हैं। ये सारे के सारे शेयर हम जनरली देखते हैं बजट से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। NFL और RCF ये दो फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनी है जिन पर सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, वो खाड़ पर सेलेक्टर्स बेरिश हैं। कमजोर है ये चार्ट्स पर और कॉन्ट्रोवर्सीज में अभी भी घिरा। बैंक ऑफ इंडिया में भी दिक्कतें अभी बढ़ी हुई हैं NPS को लेकर, अगली जो क्वार्टर है उसके नंबर्स भी कमजोर आएंगे। इसके साथ साथ एवरॉन एजुकेशन स्पेस पर नजर रखिए, ये शायद स्पेस आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, अच्छा प्रदर्शन ये शेयर भी दिखाएगा। टाटा मोटर्स की DVR में सिलेक्टर्स काफी बेरिश हैं, यहां पर उछाल में आप बिकवाली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी टीम देख लीजिए, इसमें सिर्फ दो ही सेल कॉल हमने उतारे हैं और जो बाय कॉल ही है सारी। और JK पेपर पे आप नजर रखें, इसको ड्यूटी स्ट्रक्चर बदलता है बजट के अंदर, बहुत बड़ा बेनिफिट इसको मिल सकता है यहाँ पे। इसके अलावा यूको बैंक पे उसके करंट अकाउंट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ऐसी खबरें बाजार के अंदर, इसलिए इसको सेल रखा है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा ये सड़क कारोबार बेच सकता है अच्छी वैल्यूएशन पर, इसलिए इसको बाय के तौर पर रखा है। इन्फोसिस को फायदा मिलेगा रुपये के कमजोर होने से, और आज रुपया बंद भी है, ट्रेड नहीं होगा। इसके अलावा डिश टीवी पे अच्छी एग्रेसिव टारगेट है, शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, आ सकती है।
है। इसके अलावा BPCL पे आप नजर रखें, यहाँ पे कच्चे तेल का बेनिफिट, जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ जा सकती है, हफ्ते भर की जो गिरावट है उसका आज पुल बैक ट्रेड देखने को मिलेगा। स्पाइस जेट लोड फैक्टर की वजह से चल सकता है, गायत्री प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर अच्छा मिला है और HDL टेक्निकली वीक है, इसको शॉर्ट करके आप चल सकते हैं। साढ़े सात बजे स्टॉक 2020 के इस मुकाबले में ये वो 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो सुझाए गए दोनों कप्तानों की तरफ से। लेकिन आज देखिए आप थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, मेटल काउंटर्स में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। SBI भी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए थोड़ी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन एक स्पेस टेलीकॉम सेक्टर, इस पर राय लेना चाहूँगा। हरीश, आप देखिए पिछले दो तीन दिनों से बाजार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है लेकिन ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपकी क्या राय है इस सेक्टर पर? आइडिया भारती खासतौर पर क्या करना चाहिए यहाँ पर? क्लियरली आई मीन जी आई थिंक मुझे लगता है सेक्टर एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव अंडर परफॉर्म ही करेगा। आई थिंक इसकी वजह काफ़ी साफ है, अगर हम वॉल्यूम ट्रैफिक ग्रोथ देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम आरपूज देखें स्पेसिफिकली वॉइस पे और डेटा पे, दैट इज शोइंग ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तीसरी बात आप ये देखिए, जो स्पेक्ट्रम पे आउट्स हुए हैं और जैसे स्पेक्ट्राउट्स होने की उम्मीद है 700 MHz बैंड, आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन द बैलेंस शीट। सो आई थिंक जैसे लेवरेज पोजिशन बढ़ेगी, इनकी डेट टू इबिटा लेवल्स आई थिंक इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से कैश फ्लोज जो ऑपरेटिंग लेवल्स पे हैं ये कम होते हैं और रिटर्न रेशियोज हिट लेते हैं। तो क्लियरली आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स विल प्ले आउट, एंड वॉट हैपन्स विद द रिलायंस जियो लॉन्च, ये काफ़ी एक अनसर्टेनिटी है इवन इन टूडेज डेट। सो आई थिंक जो प्राइसिंग पैक्स आते हैं, क्या कॉम्पिटिशन लाएगी और एंड दैट विल हैव फर्दर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेटा प्राइसिंग, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट होंगे। सो आई थिंक द सेक्टर विल अंडर परफॉर्म। अच्छा आज फ्राइडे है, हालांकि इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है, पर प्रकाश लिकर स्पेस फोकस में और दो तरह की खबरें स्पेस को लेकर। एक तरफ तो वो केरला को लेकर जब वो बैन हुआ था तो बड़े इश्यूज थे, अब कहा जा रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म लिकर लाइसेंसेस दे दिए जाएंगे मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो कुछ रियायतें वहां पे बढ़ती जाएंगी। दूसरी तरफ मैं खबर पढ़ रहा था कि IMFL हुआ, बियर हुआ, देसी दारू हुई, इन सब के लिए जो April 1 से शायद रेट हाइक्स होते हुए नजर आएंगे। लिकर एज अ स्पेस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि है तो ऐसी स्पेस जिसका डिमांड शायद बड़ी स्ट्रांग होती है पर वो फाइनेंशियल से रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो स्टॉक प्राइस में उस लिहाज से रिफ्लेक्ट नहीं होती? नहीं, इस चीज को थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि लिकर का जो बिजनेस है वो आप जानते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका है उसमें गैप्स बहुत रहते हैं, तो जो लीकेजेस रहते हैं जिसमें कैश में कई ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, काफी माल चला जाता है, एक्साइज नहीं होता, उस वजह से वो जो टोटल वॉल्यूम ग्रोथ है वो आपको अच्छी कंपनीज के अलावा बाकी छोटी कंपनीज में कहीं ना कहीं एक संदेह वाला माहौल बना रहता है दिखने का। बट जो आपने एक्साइज हाइक की बात की, जो April 1 से जो प्राइस हाइक की बात की, वो एक्साइज के बढ़ने की वजह से है और ये कंज्यूमर्स को पास ऑन करने की पूरी क्षमता रखते हैं। आप भी जानते हैं कि अगर थोड़ी सी महंगी हो गई IMFL तो उससे कहीं उसके कंजम्पशन में कोई गिरावट नहीं आएगी। और एक और चीज जो यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में जो कहना चाहूंगा वो ये आशीष कि अब ये कंपनी की रफ्तार जो ग्रोथ की आगे चल के आएगी ये आप देखेंगे कि बाकी सबको काफी पीछे छोड़ने में ये सक्षम रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने जो प्रीमियम सेगमेंट है उसको बहुत बढ़िया अच्छी तरह कंसोलिडेट किया है मार्केट शेयर में, जबकि जो वीक प्राइस पॉइंट वाला जो सेगमेंट था उसमें से ये लोग काफी हट गए। तो अब जो गेम है वो काफी क्लियर होते जा रहा है DIGO के आने के बाद, जो सब उम्मीद लगा के जो बैठे थे, तो कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं द मैन फ्रॉम द बॉयज का जो सेपरेशन है वो शुरू हो जाएगा लिकर इंडस्ट्री में और रफ्तार जो है वो बड़ी कंपनीज की ज्यादा रहेगी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर जो एक्साइज हाइक होगी वो पास ऑन कर दी जाएगी, तो कंज्यूमर्स के लिए नेगेटिव खबर, और ये पास ऑन क्योंकि कर देंगे तो इनके लिए कुछ खास नेगेटिव खबर नहीं। और प्रकाश कह रहे हैं कि दाम देखिए बढ़ जाते हैं तो भी कंजम्पशन में कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप आज के सत्र में देखिए भेली एक ऐसा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा निफ्टी का बड़ा लूजर के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है, 3.5% नीचे ये शेयर खुलने की तैयारी करता हुआ। अगर इन्हीं स्तरों पर यहां पर खुल जाए नितिन तो क्या करेंगे? करीब करीब 100 रुपए के लेवल आज दिखा रहा है प्री ओपनिंग सेशन में खुलता हुआ। देखिए यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों में कंफर्ट नहीं है एज F&O ट्रेडिंग, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी तेजी से गिर रहा है और ये मल्टी ईयर डाउन, मतलब अगर आप सपोर्ट देखिएगा तो 99 पे एक सपोर्ट दिखता है, दो 2013 के आसपास का लो है,
तो 99 का एक सपोर्ट है, बट काफी कंप्लीट डाउन ट्रेंड है। अगर आप एक्सपायरी से देखेंगे तो काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, शॉर्ट पोजीशन ऊपर की बनी हुई है, तो कोई भी बाउंस आपको सस्टेन नहीं करेगा। इनफैक्ट स्टॉक धीरे धीरे 95 की तरफ भी अगली एक्सपायरी में आ सकता है, बट इस एक्सपायरी के लिए मेरे ख्याल से अभी आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। बाय पोजीशन है तो 99 का स्टॉप लॉस होगा, 99 के नीचे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ओके, चलिए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन की अब शुरुआत होने वाली कंटिन्यूस ट्रेडिंग की, और एसिक्स निफ्टी दर्शा रहा है हल्की शुरुआत, और इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स में अब सेंसेक्स और निफ्टी भी हल्के लाल निशान के साथ शायद कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स लेकिन मानते हैं कि शायद भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके हैं, तो किसी भी डिप्स को आप उस लिहाज से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि लेवल्स के आसपास शुरुआत होगी। ग्लोबली थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ था, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जिसे हम कहते हैं मुनाफा वसूली, उसका दबाव हावी होता हुआ नजर आया था। कच्चे तेल में हमने देखा था कल वॉलेटिलिटी अस्थिरता आई थी, उसका भी इम्पैक्ट था, लेकिन इंडियन मार्केट्स में कामकाज की शुरुआत होती हुई और इस वक्त दबाव थोड़ा सा घराता हुआ। सेंसेक्स निफ्टी आधे आधे परसेंट के आसपास के दबाव के साथ कामकाज करते हुए, निफ्टी अब 40 अंक की कमजोरी 7150 के लेवल्स पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स में 100 अंक के आसपास का दबाव है और इनफैक्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास आधे आधे परसेंट के आसपास की कमजोरी, तो एसजेक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था या हम जो मान के चल रहे थे उससे ज्यादा प्रेशर के साथ इंडियन मार्केट की शुरुआत होती हुई, और अब 7150 के अब नीचे निफ्टी आपको स्लिप होता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट 2/3% के आसपास के दबाव की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं निफ्टी सेंसेक्स वापस लौटूंगा, उससे पहले कुछ स्टॉक्स जिन पे आप क्विकली चेक ले लीजिए। BHEL टॉप लूजर इस समय निफ्टी का, 4.25% के आसपास के दबाव के साथ वहां पे कामकाज, हमने वो डिस्कस भी करा था। वेदांता, केन इंडिया तो कमोडिटी प्लेस हैं, उनमें आज प्रेशर है 3-3% के आसपास, इन दोनों ही कंपनीज में प्रेशर देखने को मिल रहा है। हेमंत ने टेलीकॉम स्पेस को उठाया था, आइडिया सेलुलर वन ऑफ द टॉप लूजर्स में से एक है, 2% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। कल प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में आपको याद होगा एक्सिस बैंक, येस बैंक कमजोर थे, इनफैक्ट एक्सिस बैंक आज भी दबाव में, 2% के आसपास का प्रेशर देखने को मिल रहा है। आईटी में आप कुछ हद तक रिवर्सल्स आते हुए, कल एचसीएल टेक जैसा काउंटर 2.5% मजबूत था, आज आधे से ज्यादा बढ़त गवा दिए कल की, 1.5% के आसपास के दबाव के साथ वहां पे कामकाज देखने को मिल रहा है, और 7150 के जोन के आसपास निफ्टी, तो आधे परसेंट की कमजोरी के आसपास इस समय इनिशियल ट्रेड में हम सेटल होते हैं। और दिक्कत की बात यह है कि निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से ज्यादातर स्टॉक्स इस समय लाल निशान में कामकाज करते हुए, सिर्फ विप्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ आधे आधे परसेंट के आसपास की गेंस हैं, अदरवाइज 3-4 स्टॉक्स में छोटा हल्के हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक खबरों वाली उनकी बात थी स्टॉक्स की, उसमें आप क्विकली नजर डालिए, जयप्रकाश सेठ को लेकर खबरें थी, मारुति को हमने डिस्कस करा था, प्रेशर में आज फिर, कल टॉप लूजर था निफ्टी का, आज भी 2% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज, मैक्स इंडिया 2% का दबाव इस समय झेलता हुआ आपको नजर आएगा। हेमंत, ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन कैसा है? देखिए बाजार स्टेबल ही है, जिस तरह से आप देखिए 100 अंक नीचे खुले वहीं पर इस समय कारोबार कर रहे हैं, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में ज़्यादा प्रेशर है, ये संकेत मिल रहे हैं। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले शेयर हैं, मिड कैप्स इंडेक्स 0.5% नीचे है। आप देखिए JP एसोसिएट्स जैसे कमजोर शेयर ज़्यादा पिट रहे हैं, 4% नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ। पेज इंडस्ट्रीज में जो करेक्शन का सिलसिला है वो बरकरार है, और अब आप देखिए 9,999 रुपये का फिगर मुझे दिख रहा है यहाँ पर फ्यूचर्स में, जो 10,000 रुपये का स्तर था उसके अब ये देखिए नीचे आ रहा है FNO में, कम से कम ये संकेत इस समय मिलते हुए। वेदांता ये एक और ऐसा स्टॉक है जो 2% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, हिंडालको में दबाव देखने को मिला है। ध्यान रखिए इस हफ्ते इन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है, लेकिन तेजी की तरफ देखिए PNB 1% मजबूती के साथ ट्रेड करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इस पर काफ़ी भरोसा है इस समय ट्रेडर्स को, अच्छी रिकवरी इस स्टॉक ने नीचे से दिखाई है, बाजार को संभालने का काम भी किया है इस हफ्ते इसने। आप देखिए करीब करीब 0.25% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। साथ ही जैन इरिगेशन में जो कल की तेजी थी वो आज भी बरकरार है, सीएट जैसे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, और प्रकाश जिस तरह से कह रहे थे कि आईटी सेक्टर पर नजर रखिए, विप्रो देखिए मजबूती के साथ आज के सेक्टर में ट्रेड, आज के दिन ट्रेड करता हुआ। इवन टेक महिंद्रा 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। छोटे मझौले सेक्टर्स की अगर बात करें तो आप पाएंगे श्रीराम EPC में 9% की तेजी देखने को मिल रही है, खबरों के दम पर यह तेजी यहां पर आई है। श्रीराम EPC को जिस तरह से एक ऑर्डर मिला है आप देखिए 10% की मजबूती, एडूकॉम, एवरॉन, ये तमाम ऐसे एजुकेशन स्पेस से जुड़े हुए कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो कल हमने देखा था इरिगेशन स्पेस, लेदर स्पेस एक्टिव था, आज एजुकेशन स्पेस एक्टिव है। एपटेक के ऊपर भी नजर डालेंगे, NIIT में कुछ खास अच्छा मूव नहीं है 0.5% की, लेकिन फिर भी तेजी, एपटेक के स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। ये पूरा का पूरा पैक अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, 7145 के निफ्टी के लोस थे इनिशियल, अब 7162 के आसपास कामकाज करता हुआ, तो 0.5% से कम की कमजोरी, 0.4% के आसपास का दबाव, 30 अंक नीचे 7160 के लेवल्स के आसपास निफ्टी कामकाज करता हुआ।
मिड कैप्स में पेन है आधे परसेंट के आसपास का, स्मॉल कैप्स काफी हद तक रेजिलिएंट यानी कि बाजार के दबाव से कम प्रेशर है यहां पर, हल्के लाल निशान में स्मॉल कैप यूनिवर्स में कामकाज होता हुआ, जो पॉकेट स्ट्रेस में है दबाव में वो कैपिटल गुड्स है, मेटल है और पीएसयू बैंकिंग साइड पे थोड़ा सा दबाव गहराता हुआ। तो ये वो कुछ बाजार की झलक ओपनिंग सेशन में। लेकिन राकेश क्विकली बताएं, दबाव के साथ शुरुआत हुई है 7150 7160 के आसपास कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, क्या यहां पे खरीदारी करूं अगर वाकई अगला हफ्ता अच्छा होने वाला है? देखिए आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है कि आप बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, आप खरीदारी करें ना करें इस पे शायद थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट सेलिंग तो ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऊपर में मार्केट जो है 7200 के ऊपर निकलेगा और नीचे में एक अच्छे सपोर्ट्स है मार्केट में, डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। कच्चा तेल जब अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो केन इंडिया का शेयर देखिए मजबूत हो रहा था कच्चे तेल में, कल ओवरनाइट गिरावट देखने को मिली है, तो केन इंडिया का स्टॉक देखिए 2% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। केन वेदांता दोनों ही 2-2.25-2% कमजोर है। एक्सिस बैंक का प्राइवेट सेक्टर बैंक का प्रदर्शन आज भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी देखिए 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाजार में कुछ ऐसी बड़ी कमजोरी इस समय नहीं दिख रही है, तो ऐसे में नितिन निफ्टी को अभी लॉन्ग कर लिया जाए क्या दिन के लिए? देखिए लॉन्ग करना चाहिए अभी, क्योंकि कल का एक काफी क्लोजली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे 7140 और 7125 का लेवल, अभी 7173 का लेवल है। जब मार्केट कल 7125 और 7140 के आसपास थी तो काफी तेजी से लास्ट के एक घंटे में वहां पे वॉल्यूम्स आए थे और निफ्टी वहां से करीब 60-70 पॉइंट बाउंस करी थी। इसका मतलब ये हुआ कि 7125 और 40 के बीच में बड़े ऑर्डर्स हैं और अभी आपको 70-78 का रेट है, तो यहाँ से 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, जो कल का लो है वो लगा के लेना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, सामने बजट भी है और चार दिन का अगर कंबाइन डेटा देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव है। आज मार्केट नीचे खुलने से एक फियर क्रिएट होता है जिससे वीकर लोग हो सकता है रिटेल कार्ट के पोजिशन स्टॉप लॉस कट जाते हैं, बट मुझे लग रहा है कि कल का लो का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल लेना चाहिए, एक तेजी आपको एक बजट तक मिल सकती है। ओके, इस समय HDFC ट्विंस यानी कि HDFC बैंक बाजार में दबाव बना रहे हैं, मैं वेटेज के लिहाज से दिग्गजों की बात कर रहा हूं, एक्सिस बैंक और लार्सन एंड टूब्रो प्रेशर बनाते हुए इस समय बाजार में। मदद कहां से आ रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज से थोड़ी बहुत, इन्फोसिस से थोड़ी बहुत, विप्रो और अब तो इनफैक्ट पूरा IT पैक, इन्फोसिस विप्रो TCS अब हरे निशान पे वापस पूरी तरह से कामकाज करते हुए, तो कल का जो मोमेंटम था वो IT में एटलीस्ट कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। क्विक हील एक और ऐसा स्टॉक है आशीष, कल देखिए 21% गिरा था और आज ये स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ 2.5% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रकाश, क्या करना चाहिए जिनके पास शेयर है क्विक हील के? देखिए ऐसा है कि इसको तो इन्फेक्ट कर दिया वायरस ने लिस्टिंग पे ही, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी गिरावट इसमें इससे ज्यादा आएगी, क्योंकि कल का जो माहौल था वो थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेटेड सा लग रहा था जिस हिसाब से सब डेवलपमेंट्स दिखे एक साथ, जबकि ग्रे मार्केट में अच्छा खासा इसका प्रीमियम भी हमने देखा बनते हुए लास्ट तक, तो कहीं ना कहीं एक इसमें कोई और खबर हो सकती है और कारण हो सकते हैं इसकी गिरावट के, बट आगे चल के ये स्टेबलाइज हो जाएगा और इसके लिए इंटरेस्ट जो है बाइंग इंटरेस्ट भी इसमें नीचे के लेवल्स पे आते रहेगा। okay, तो जिनके पास है वो बने रहे, पैनिक ना करें, कोई निकलने की चेष्टा ना करें। ओके, तो जिनके पास है जिन्होंने IPO में लिया था वो बने रहे, शायद धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिले स्टॉक में। लेकिन मयूरेश, पिछले कुछ दिनों से और इनफैक्ट कल भी अगर मैं सही हूं तो एक्सिस बैंक पे अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था, ICICI बैंक हरे निशान में कामकाज कर रहा था, आज भी अगर ये दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे तो एक्सिस बैंक में प्रेशर है, ICICI बैंक फ्लैट कामकाज करता हुआ, अभी दोनों में तगड़ा करेक्शन आया है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस की वकालत तमाम बाजार के एक्सपर्ट्स करते हैं, इन दोनों में अगर एक चुनना हो तो आपकी प्रिफर्ड बेट क्या होगी सर? पेन हम एक्सपेक्ट करते हैं, आई थिंक Q4 में भी यही उम्मीद है कि जो प्रोविजनिंग की है शायद ये कंटिन्यू हो और ये मैनेजमेंट ने दर्शाया भी है। हैविंग सेड दैट, हमारे ओपिनियन में हमें लगता है कि आई थिंक आफ्टर Q4 आई थिंक काफ़ी जो क्लिनजिंग अप थी वो शायद हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इधर प्रोविजनिंग और दी GNPAs बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, इसलिए आई थिंक जो क्रेडिट कॉस्ट का एक अनुमान हमने लगाया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी प्रॉब्ली जस्ट इंक्रीज दैट अ टैड बिट, और अगर ये आप इंक्रीज भी करते हैं तो मुझे लगता है जो FY17 की अर्निंग ग्रोथ होती है, इफ वन रियली अज्यूम्स कि क्रेडिट ग्रोथ रिज्यूम होती है अगले दो क्वार्टर में सिस्टम में, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो बैड एसेट क्वालिटी के जो वोज हैं वो प्रॉब्ली आई थिंक सिस्टम से आई थिंक निकल जाते हैं फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ इट, आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ कैन बी इन एक्सेस ऑफ 20%, इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों शायद पसंद
पसंद आ रहे हैं ये लेवल्स पे क्या, कि जो प्राइस टू बुक करेक्शन देखा है हमने स्टॉक में काफ़ी सिग्निफिकेंट है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स. सो क्लियरली क्लच ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट टाइम एंड अगेन आई हैव जस्ट बीन मेंशनिंग आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टेबल कॉपर्स से 15-20% के ऊपर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लगाना नहीं चाहिए. एंड अगेन आई थिंक यू हैव टू बाय इन अ वेरी वेरी स्टैगर्ड फैशन. जस्ट डायल के स्टॉक पर नजर रखिए, अभी वापस से देखिए कमजोर होना शुरू हो गया है. 3% की गिरावट ये शेयर इस समय दिखा रहा है और क्विक फील की मजबूती जो है वो बरकरार है. अब आप देखिए करीब करीब पिछले 15-20 मिनटों में अच्छी तेजी इसने पकड़ी है. दिन के लो से करीब करीब 10% रिकवर हो चुका है. तो दिख तो रहा है आपको 4% ऊपर ये, लेकिन लाल निशान में खुला था और वहां से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है. एडुकॉम 7% मजबूत. आशीष आईटीआई और एचएमटी भी देखिए बजट से पहले आज अच्छा मूव दे रहे हैं. आईटीआई इस समय 7 छोटे मुझे वाले टिकट साइज वाले शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. और ज्यादातर आप जो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं वो हैं जो बजट रिलेटेड मूव्स, स्पेकुलेशन पे जो लोग मूव आते हैं जैसे कि एजुकेशन कंपनीज हुई या आईटीआई एचएमटी जैसे, जहां पे कुछ बेल आउट पैकेज या कुछ बड़ी खबरें उसको आने की एक्सपेक्टेशन, तो उन स्टॉक्स में अब एक चाल देखना शुरू हो चुकी है. इनफैक्ट जैन इरिगेशन, ईपीसी इंडस्ट्रीज, ये वो पॉकेट्स हैं जहां पे माइक्रो इरिगेशन को लेकर हमने देखा था पिछले बजट में भी एलोकेशन बहुत बढ़ाया गया था और इस बार भी बाजार होपफुल है कि रूरल स्पेंड बढ़ेगा, माइक्रो इरिगेशन पे खर्च होगा. इसलिए मैं कह रहा हूं वो तमाम ऐसी पॉकेट्स हैं जिनमें आप अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं. तो क्विकली देख लीजिए श्रीराम ईपीसी खबरों वाला स्टॉक था, 9% उछाल. क्रियाउस एजुकेशन 7% की तेजी. ईपीसी इंडस्ट्रीज अब 5% की मजबूती. प्रकाश दीवान की पिक थी बजट से पहले की. क्विक हील 4% के आसपास का उछाल जिसकी आप बात कर रहे थे. और स्पाइस जेट जहां तो, पे वो लोड फैक्टर के चलते आज खबरें अच्छी, 4% का उछाल यहां तो 6 दिन जैसा कि कह रहे थे हमारे एक्सपर्ट नितिन, यूनियन बजट के लिए बचे हैं और मैं कैलकुलेट कर रहा था 4 दिन दरअसल रेलवे बजट के लिए बचे हैं. देखते हैं रेलवे शेयरों में भी तेजी हो रही है या नहीं. टैक्स रेल, टैक्स मैको, करनेक्स, इन स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है. और इन रेल बजट पर भी अपने एक्सपर्ट से एक बार राय लेंगे आगे चलकर. कोई बहुत रनअवे रैली नहीं है देखिए इस पैक में. एक अच्छी रैली यहां पर दरअसल पहले ही देखी जा चुकी है. ज़्यादातर शेयर आप देखिए लाल निशान में इस समय ट्रेड करते हुए. तो रेलवे शेयरों पर नजर रखिए, यहाँ पर कोई ऐसा तोड़फोड़ रैली आशीष आज देखने को नहीं मिल रही है. चलिए एक्सपर्ट से विदा लेने का समय है. प्रकाश, राकेश, मयूरेश, नितिन, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए सीएनबीसी आवाज पर जुड़कर आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए. और सीएनबीसी आवाज पर आ रहा है बाजार में पैसा बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का भी मौका.